I just like the sound of it. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस कर लेना। उसी के साइड में आपको बेल आइकन का बटन भी दिखेगा, उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस चैनल पर आपको क्लास 10th 12th का स्टडी मटेरियल, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ हम कॉलेज के रिव्यू देते रहते हैं, जैसे कि जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस है, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, एशियन बिजनेस स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस के मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं, औरों के रिव्यूज भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको टॉप 10 ऐसे कॉलेज चाहिए जिसमें बिना जेई मेंस के एडमिशन होता हो, इनकी प्लेसमेंट भी डिसेंट हो, या फिर आप ऐसे कॉलेज चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी करनी है, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मिल रहे हो, तो उन सब चीजों का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो एमिटी यूनिवर्सिटी जो है, मैं काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेज है, गुड़गांव और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज है। आज हम डिस्कस करेंगे नोएडा ब्रांच के बारे में, जो कि नोएडा यूपी में लोकेटेड है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये टॉप प्राइवेट कॉलेज है, किसके केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। NAACC के द्वारा इसको A+ ग्रेड दिया गया था इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कुछ जो टॉप के अगर IIT को हटा दिया जाए तो नीचे की IIT को ये टक्कर देता है, और काफ़ी अच्छा इसका कैंपस एरिया। अभी आगे वीडियो में आपको कैंपस टूर भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कैसी क्या क्या फैसिलिटी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलती है जो ये इतना अच्छा इसका A+ इसको ग्रेड मिला हुआ है। तो फैसिलिटीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल, वाईफाई, टेनिस कोर्ट और जितने भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। हॉर्स राइडिंग, स्क्वाश कोर्ट, शूटिंग, ये सारे चीज आपको स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके कैफेटेरिया की, तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको इसके कैंपस के अंदर ही मिल जाएगी, जैसे कि कैफे कॉफी डे विद इन द कैंपस ही है, सबवे, डोमिनोज, बिकानो, ममा मिया, ये सारी चीज़ आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएगी। मतलब आपका पूरा जुगाड़ है, आपके कैफेटेरिया, एंटरटेनमेंट का, सारी चीज़ का जुगाड़ MIT ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के, अपने कैंपस के अंदर ही आपको दे रखा है। हमने इतनी सारी कैंपस की बात कर ही ली है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स कैंपस एरिया। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में BTech में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं BTech के लिए, तो अगर पर सेमेस्टर की फीस इसकी ज़्यादा है, MIT यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा है, एज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा फीस है, काफ़ी महंगा कॉलेज है बोल सकते हो। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए अगर एक सेमेस्टर की इसकी जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1,30,000 से 1,75,000 तक है पर सेमेस्टर की। मतलब कि अगर आपकी जो टोटल फीस मैं बोलूं अगर 4 साल की, तो लगभग 14-15 लाख रुपए वो आपकी बन जाएगी, 14-15 लाख आपकी कुछ हो जाएगी वो 4 ईयर फीस। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है। अब अगर हॉस्टल भी अगर आप लेते हो तो हॉस्टल का ना अलग अलग होता है कि AC रूम ले रहे हो, नॉन AC ले रहे हो, सिंगल ले रहे हो, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो, उस हिसाब की आपकी फीस बनती है। अगर आप हॉस्टल में विदाउट AC ले रहे हो तो 3-4 लाख का आपका 4 ईयर का आपका क्या फीस बनेगी। और अगर आप हॉस्टल के अंदर AC रूम ले रहे हो और सिंगल ऑक्यूपाई ले रहे हो, तो आपके कुछ जो टोटल फीस है ट्यूशन प्लस हॉस्टल, वो कुछ आपकी 21-22 लाख आपकी 4 ईयर फीस बन जाएगी, जो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। MIT यूनिवर्सिटी में जो फीस है वो ज़्यादा है एस, और अगर आप इसकी प्लेसमेंट देखोगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि आपको MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ब्रांचेज की अगर मैं बात करूँ तो ब्रांचेज में सारी ब्रांचेज आपको, जो भी कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, जो भी आपकी मेन ब्रांचेज है सारे आपको, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएगी।
अब एडमिशन प्रोसेस की बात करूं अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो अगर आपके क्लास ट्वेल्थ के अंदर 80% या उससे ज्यादा नंबर है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा एमिटी यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब इसका एडमिशन प्रोसेस, आप सोच रहे हो कि इतना अच्छा कॉलेज है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तो इसका एडमिशन प्रोसेस इतना आसान क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है ना वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उस पर भी आते हैं। अब क्लास ट्वेल्थ में अगर आपके 80% है, तो अगर आप CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी भी आप बोर्ड से, आपको 80% से ज़्यादा होने चाहिए, आपके एडमिशन मिल जाएगा इसमें। अब आते हैं स्कॉलरशिप्स पे, तो यहाँ MIT यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं, इनकी मेरिट लिस्ट निकलती है हर साल। टॉप 5% जो स्टूडेंट होते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, टॉप 5% को मेरिट लिस्ट के अंदर। अब टॉप 10% के जो बच्चे होंगे उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, और इसी तरह आगे जैसे टॉप 20% में होंगे उनको 25%, इसी तरह आगे उनका रहता है। अब एडमिशन प्रोसेस और फी स्ट्रक्चर के बाद अब देख लेते हैं कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या इसके क्या फायदे हैं इस कॉलेज में लेने के और क्या इसके नुकसान है, मतलब प्लेसमेंट को हम देखने जा रहे हैं। सो एमिटी यूनिवर्सिटी के अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज अमेजोन कंपनी ने 30 लाख का पैकेज दिया था एमिटी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को, और गूगल ने 12 लाख का पैकेज दिया था एमिटी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को। तो आप देख सकते हो हाँ कि हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका अच्छा प्लेसमेंट है, जैसा कि आपका और कॉलेजेस का होता है उसी तरह इसका भी अच्छा प्लेसमेंट है हाईएस्ट। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो 3 से 4.5 लाख आपको पर एनम आपको देखने को मिल रहा होगा एमिटी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करते हो तो। वो इसके कंपैरिजन में जो आप 22 से 23 लाख लगा रहे होगे 4 साल के अंदर, और अगर आपको उसके बाद आपको 3 से 4.5 लाख तक का पैकेज एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो वो उसके कंपेरिजन में जो रेशो होता है ना वो बहुत कम बन जाता है। तो अब ये बात मैं अभी आपसे करूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। कंपनीज यहाँ भी अच्छी आती है, जैसे कि आप देख रहे हो अमेजोन है, गूगल है, डेलोइट है, इन्फोसिस है, ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ भी आती हैं। और अगर आप टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहते हो कंप्यूटर साइंस ब्रांचेज में तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलनी ही मिलनी है। लेकिन एवरेज की बात करूँ तो एवरेज का जो रेशो है वो बहुत कम बन जाता है। तो आप 22 से 23 लाख दे रहे हो तो 3 से 4 लाख अगर आपको मिल रहा है उसके बाद 4 साल की बीटेक करने के बाद, तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अभी भी ओपन है, आप अभी भी जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एमिटी की MITUniversity.education लिखोगे तो वहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1100 रहेगी, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां से ले सकते हो। अब बात करता हूं कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो क्या इसके फायदे हैं क्या इसके नुकसान है। तो देखो फायदे और नुकसान इस तरह है कि अगर आप एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लोगे, क्यों, क्योंकि आपको IIIT नहीं मिला होगा, IIT नहीं मिला होगा, NIT नहीं मिला होगा, NSUT नहीं मिला होगा, थापड़ नहीं मिला होगा, ऐसे जो भी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस थे आपको नहीं मिले होंगे, जादवपुर नहीं मिली होगी, जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं मिली होगी, तो तब आप किसकी तरफ बढ़ते हो, एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो मतलब कि एमिटी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो अगर आप इसको एज अ लास्ट ऑप्शन रखते हो, आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो एमिटी यूनिवर्सिटी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि इसका जो अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं, अगर आप एक अच्छे टॉप स्टूडेंट्स में रहते हो तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया आपका अच्छा प्लेसमेंट लगेगा ही लगेगा। लेकिन एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो वो उसका रेशियो थोड़ा कम रहेगा। तो अगर आप जिस तरह के अगर आप अपना अपना पोटेंशियल जानते हैं तो इस कॉलेज में है पोटेंशियल कि आपको आपको 25 से 20 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छे अगर आप टॉप के स्टूडेंट्स में रहोगे तो। और अगर आप इसकी यूनिवर्सिटी पे चेक करोगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखेगा, तो ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। जो आपका 100% प्लेसमेंट किस तरह हो जाती है, क्या सबको 3 से 4.5 लाख का पैकेज मिल रहा है या सबको 12 से 13 लाख का पैकेज मिल रहा है? नहीं, क्या होता है कुछ ऐसी कंपनियां आती हैं जो मास रिक्रूटमेंट मतलब कि आपके 100 से 150 स्टूडेंट्स को एक साथ रिक्रूट कर रही हैं और उनको 20 से 15, 20 से 25 हज़ार तक का आपको पर मंथ उनको सैलरी दे रही है। तो इस तरह आपकी जो 100% स्कॉलर प्लेसमेंट दिखाई जाती है, और कुछ स्टार्टअप्स होते हैं इतने 20 से 25 हज़ार तक का मंथली आपको इनकम दे रहे होते हैं, तो इस तरह वो 100% प्लेसमेंट में आ जाता है। सो ये थी एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई सुझाव है या अगर आपको कोई सजेशन तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरी है, अगर आपको टॉप कुछ ऐसे कॉलेजेस चाहिए जिसमें आपको बिना जेईई मेंस के एडमिशन मिल जाता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर और आपका कोई रिलेटेड क्वेरी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। थैंक यू दोस्तों।